मध्य प्रदेश इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने परिसर में गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि कार के पास टीआई हकम सिंह पवार का शव पड़ा हुआ है, उसके पास ही एएसआई रंजना लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि टीआई ने महिला एएसआई को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला था। जानकारी के मुताबिक घटना इंदौर के रिगल चौराहे स्थित पुलिस कंट्रोल रूम की है। मृतक की पहचान टीआई हकम सिंह पवार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक महिला एएसआई रंजना खेड़े के मिलने आया था। बताया जा रहा है कि पहले टीआई ने महिला एएसआई को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और मिश्र ने बताया कि घटना कंट्रोल रूम के पास हुई है, जिसमें टीआई हकम सिंह, जिसकी पोस्टिंग भोपाल में है, इंदौर आया था और यहां में तैनात एएसआई महिला के साथ आकस्मिक विवाद हो गया था, जिसके बाद एएसआई को गोली मार दी गई और बाद में खुद को भी गोली मार कर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। घायल महिला पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया, यहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर है। टीआई हकम सिंह पवार पूर्व में इंदौर में सराफा, सिमरौल और अन्नपूर्णा थाना प्रभारी रह चुके हैं। हकम सिंह श्यामला हिल्स थाना भोपाल में तैनात थे। पुलिस अधिकारियों के मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दोनों लोग बैठ करके यहाँ पर कॉफी पी रहे थे और अचानक एक हुए आकस्मिक विवाद में इसमें उस पर गोली चलाया गया एएसआईएम पर और खुद बाद में एक आत्महत्या की कोशिश की गई। दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर मामला प्रेम प्रसंग का। महिला आरक्षक यहीं पदस्थ है और अभी और महिला आरक्षक से बातचीत उसमें की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो जानकारियां आई हैं उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये मामले में जो तथ्य है प्रारंभिक तौर पर प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।